शेरा बकरा और उसकी पत्नी झूरी बकरी दोनों ही पति पत्नी थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती और वो दोनों खेतों में काम करके अपना गुजारा करती। पर जो उनका मालिक था वो बड़ा ही सख्त था। वो शेरा बकरा और उसकी पत्नी झूरी बकरी को बहुत मेहनत करवाया करता और उनसे खूब काम लेता। उन्हें काम के दाम भी कम दिया करता, जिससे कि वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। इसी तरह एक दिन जब शेरा बकरा और उसकी पत्नी दोनों ही काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उसकी पत्नी को चक्कर आने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। और वो अपनी पत्नी को गिरता देखकर घबरा जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। झूरी झूरी उठो, क्या हुआ, तुम अचानक कैसे गिर गई? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो झूरी? हाँ मैं ठीक हूँ, वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना, शायद इसीलिए चक्कर आ गया होगा। अब खाली पेट काम करोगी तो चक्कर तो आएगा ही ना, पर तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं, अब आ गया ना चक्कर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तुम ऐसे ही बेकार में परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब तुम यहाँ बैठकर आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। शेरा अपनी पत्नी झूरी को आराम करने के लिए कहकर वापस काम करने लगता है। तभी उसका मालिक वहाँ आ जाता है और वो झूरी को आराम करते देख कर उस पर गुस्सा होने लगता है। मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या आराम करने के लिए, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर वो एक डंडा उठाता है और झूरी को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर शेरा अपना काम छोड़कर जल्दी से झूरी को बचाने के लिए आता है। मालिक मालिक ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम दोनों को काम करने के लिए रखा है ना कि आराम करने के लिए। वो मालिक झूरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे काम से मतलब है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत से नहीं। मालिक मालिक मैं अपनी पत्नी का काम कर दूंगा, आप इसे कुछ ना कहें। अच्छा तू इसकी जगह काम करेगा? हाँ मालिक मैं अपनी पत्नी की जगह काम करूंगा। नहीं, जिसका काम है वही काम करेगा और शाम तक काम हो जाना चाहिए, नहीं तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लूंगी। नहीं झूरी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर तुम काम करने लगी तो और ज्यादा बीमार हो जाओगी। झूरी बकरी काम करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होती और वो अपने पति शेरा की भी नहीं सुनती और काम करने लगती है। झूरी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखकर शेरा को बहुत दुख होता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ जो मेरे होते हुए मेरी अपनी पत्नी को काम करना पड़ रहा है। या अल्लाह तू हम पर कैसा कह डा रहा है, रहम कर रहम। खुदा को याद करके शेरा रो ही रहा होता है। वो अपना काम खत्म कर लेता है पर झूरी अपना काम खत्म नहीं कर पाती, तो वो अपनी पत्नी झूरी बकरी के पास जाता है और कहता है, झूरी तुम जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, वैसे भी मालिक नहीं है, जब तक मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। फिर शेरा अपने मालिक के आने से पहले ही जल्दी से अपनी पत्नी झूरी का सारा काम खत्म कर देता है। और जैसे ही मालिक आता है तो शेरा बोलता है, मालिक हमने अपना काम खत्म कर दिया, अब हम जा सकते हैं। ठीक है जाओ। वो मालिक कुछ पैसे मिल जाते तो मैं झूरी को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा देता। अभी तुमने कल ही तो पैसे लिए थे, तुम लोग कुछ काम करते नहीं आ जाते हो पैसे मांगने, मैं अब तो तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। शेरा अपने मालिक की बात सुनकर बड़ा दुखी होता है और वो दुखी मन से अपनी पत्नी झूरी के साथ घर चला जाता है। और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो अपनी पत्नी झूरी का इलाज करवा सके। उसे अपनी पत्नी झूरी की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो मन ही मन रो रहा था। या अल्लाह रहम कर, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास उसके इलाज के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं उसका इलाज करा सकूं। क्यों उदास होते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा इलाज करा कर ही रहूंगा। फिर उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो दोनों मिलकर खा लेते हैं, जिससे कि उनका पेट नहीं भरता है और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी उठ जाते हैं और काम पर जाने की तैयारियां करने लगते हैं। तभी शेरा बकरा देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत कल से ज्यादा खराब है, तो वो उसे काम पर जाने से मना करता है। झूरी आज भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम घर पर ही रहकर आराम करो। कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, अगर हम दोनों काम करने नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे और अपने घर को कैसे छुड़वाएंगे। तुम मानोगी नहीं। झूरी शेरा की बात नहीं मानती और उसके साथ खेतों पर काम करने चली जाती है और काम करते हुए उन्हें दोपहर हो जाती है।
दोनों को प्यास लगने लगती है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है। फिर दोनों जाकर पानी पीने लगते हैं और तभी वहाँ पर उनका मालिक आ जाता है और उन्हें पानी पीते देखकर वो गुस्से में उन्हें डंडे से मारने लगता है। मौका मिला नहीं लगे आराम करने, कब से देख रहा हूँ पानी पी रहे हो, काम नहीं करना क्या, सारा दिन पानी पीते रहोगे। मालिक मालिक हमें मारिए मत, प्यास से गला सूख रहा था इसीलिए पानी पीने चले आए। दोनों को एक ही साथ प्यास लगी थी, मैं सब समझता हूँ, तुम लोग पानी पीने के बहाने घूम रहे थे। नहीं मालिक, सच में हम पानी ही पीने आए थे। मुझसे जुबान लड़ाती है। मालिक गुस्से में डंडे से झूरी को मारने लगता है। ये देखकर शेरा उसे बचाती हुई कहता है, रहम मालिक रहम, मेरी पत्नी बीमार है, उसे ना मारिए नहीं तो वो मर जाएगी। शेरा की पत्नी झूरी बकरी दर्द से बुरी तरह से चीख रही थी, पर उनके मालिक को उन पर जरा भी रहम नहीं आता और वो उन्हें मारे जा रहा था। और जब वो उन्हें मारते मारते थक जाता है तो उनसे कहता है, आज तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये कहकर उनका मालिक वहाँ से चला जाता है। या अल्लाह, ये तू हमें किस बात की सजा दे रहा है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तू हमें इतनी सजा दे रहा है। हम दिन भर अपने मालिक का काम करते हैं और काम के नाम पर ना तो हमें पेट भर के खाना मिलता है और ना ही पैसे, मिलती है तो सिर्फ मार। तभी अचानक से झूरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शेरा घबरा जाता है। झूरी तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। फिर वो जल्दी से अपनी पत्नी झूरी को अस्पताल ले जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी पत्नी को क्या हुआ है, वो बेहोश कैसे हो गई? इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, अब जल्दी ही इनका इलाज करना पड़ेगा। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, जल्दी ही इन्हें जाकर ले आओ, तभी हम इनका इलाज शुरू कर पाएंगे। ये सुनकर शेरा बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है, जल्दी इलाज करना होगा, नहीं मैं अपनी झूरी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसका इलाज कराऊंगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ मैं सेठ जी से पैसे ले सकता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेंगे और मुझे पैसे भी देंगे। ये सोचकर शेरा सेठ के पास जाता है और उससे पैसे उधार मांगता है। सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, चाहे तो आप मुझसे बदले में कुछ भी काम करा लेना। अरे मुझे कुछ काम नहीं कराना, मुझे तो बस पैसे से मतलब है, अगर कुछ गिरवी रख सको तो बात करो, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। गिरवी? मेरे पास तो जो एक घर था वो पहले ही आपके पास रखा हुआ है, उसके सिवा मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, अगर कुछ है तो बात करो वरना तुम जा सकते हो। सेठ की बात सुनकर शीरा रोने लगता है। सेठ जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। देखो शेरा, अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वरना नहीं। ठीक है सेठ जी, आप मेरा घर खरीद लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ शेरा से उसका घर ले लेता है और उसे पैसे दे देता है। फिर वो जल्दी से पैसे लेकर दवाई और इंजेक्शन खरीद कर अस्पताल पहुँचता है और डॉक्टर को देता है। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी झूरी बकरी पर जाती है जो सफेद कपड़ा ओढ़े हुए थी। उसे सफेद कपड़े में देखकर चेरा बकरा घबरा जाता है। डॉक्टर साहब आपने मेरी झूरी को सफेद कपड़े से क्यों ढका है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बताइए मेरी पत्नी को क्या हुआ है। फिर शेरा झूरी के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाकर उससे बात करने लगता है। झूरी झूरी तुम बोलती क्यों नहीं, बोलो ना झूरी, तुम चुप क्यों हो? तुमने दवाई लाने में बहुत देर कर दी, हम तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सके। मेरी झूरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हमने साथ मरने जीने की कसमें खाई थी, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। बेचारा शेरा बकरा अब रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकता था और वो अपनी पत्नी झूरी बकरी की यादों के सहारे ही जीने की कोशिश में लग जाता है।